Hello students, welcome back to another session of the chapter that is excretory system. और इसमें अभी तक हम लोगों ने बात क्या किया था कि जो हम लोग का जो भी प्रोडक्ट खाते हैं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म होने के कारण वहां पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हमारा अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, तो इस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना है और उसके लिए जो हम लोग ऑर्गन्स का यूटिलाइजेशन होता है, पूरा मिलाकर एक सिस्टम डेवलप करता है और उस पूरे सिस्टम को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो अमोनिया होता है दैट इज हाईली टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी, तो उसको रिमूव करना अति आवश्यक है। तो उसको रिमूव करने के लिए दे रिक्वायर लॉट्स अमाउंट ऑफ वाटर, वो बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसी के जैसा फिर उससे कम टॉक्सिक हमारा यूरिया रहता है और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड रहता है। मतलब कि यूरिक एसिड अगर कम टॉक्सिक है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग को कम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। जैसे अमोनिया रिलीज करने वाले एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से यूरिक एसिड जो पास आउट करते हैं, रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोग यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। तो हम लोग बात करें थे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें रहती है उसके बारे में डिस्कशन किया था। मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या चीज है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो किडनी है। किडनी क्या है, ये पेयर फॉर्म में किडनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूरेटर प्रेजेंट है, यूरेटर दोनों यूरेटर से पास ऑन, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलता, मतलब ये भी पेयर फॉर्म में दो प्रेजेंट है। इसके अलावा यूरेटर कैरी करता है यूरिन्स को कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पास आउट करता है थ्रू यूरेथ्रा आउटसाइड द बॉडी, यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोग ये बोले थे कि किडनी प्रोड्यूस यूरिन, ये यूरिन का प्रोडक्शन करेगा और इस यूरिन को यूरेटर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट यूरिन कहाँ पर तक ट्रांसपोर्ट करेगा, तो यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या हो गया कि दिस विल स्टोर द यूरिन, ये यूरिन को स्टोर करेगा। और यूरेथ्रा का काम क्या है, ये स्टोर्ड यूरिन जो कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड है इसको पास ऑन करेगा, यानी यहां पर भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट यूरिन, यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर वो क्या कर देगा, पास आउट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलकर बना होता है। तो आज हम लोग एक एक के बारे में डिटेल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किडनी से, स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो किडनी क्या है, अब बात करते हैं किडनी, किडनी चलिए। तो किडनी क्या है, किडनी एक पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कि हमारे बॉडी में दो किडनी प्रेजेंट रहते हैं। और इसका शेप कैसा रहता है, तो दिस किडनी इज बीन शेप स्ट्रक्चर, बीन के जैसा, मतलब कि जैसे आप राजमा खाते होंगे, राजमा का शेप कैसा है, इस तरीके से शेप है, बिल्कुल इसी शेप का हमारा किडनी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये बीन शेप का है, प्रेजेंट कहां पर है, तो दिस इज लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ बैकबोन, साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन के दोनों तरफ हम लोग को प्रेजेंट रहता है। और साथ साथ इसको प्रोटेक्शन कौन करता है, तो हमारा रिब्स है, रिब्स में कितने हड्डियां हैं, 12 एक तरफ रिब्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो जो लास्ट का टू बोन्स होते हैं, रिब बोन्स होते हैं, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ बैक बोन्स एंड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स, ठीक है, ये बात भी क्लियर आ गया समझ में। और हम लोग बोल क्या रहे हैं कि दिस किडनी इज अकर इन द पेयर फॉर्म, ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, पेयर अकर इन पेयर, तो पेयर है मतलब कि अब ये
बैकबोन के दोनों तरफ प्रेजेंट है, मतलब लेफ्ट और राइट हो जाएगा किडनी। तो इसलिए बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा राइट किडनी होता है, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। राइट किडनी इज स्लाइटली स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। अब ये लोअर क्यों है? तो राइट साइड में, जैसे अगर ये एक ह्यूमन है, ये अगर ह्यूमन है तो इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा? इसका राइट साइड हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। इसके राइट साइड में क्या रहता है? यहाँ पर डायफ्राग्म है, ऊपर वाला थोरैकिक रीजन हो गया। तो डायफ्राग्म के नीचे में हमारा क्या प्रेजेंट है? बड़ा सा ऑर्गन, दैट इज लीवर। तो लीवर प्रेजेंट रहने के कारण क्या होता है, ये जो राइट साइड का किडनी है थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट रहता है। क्लियर बात? चलिए अब क्या बात बोल रहे हैं कि इस किडनी से हमारा क्या निकलता है? यूरेटर निकलता है, ठीक है। तो यूरेटर एराइसेस फ्रॉम द मीडियन पार्ट ऑफ द किडनी। मीडियन मतलब बीच का पार्ट। ये वाला पार्ट से हमारा क्या निकलता है? यूरेटर निकलता है। ये हो गया यूरेटर। तो यूरेटर जहां से निकलता है उस पार्ट को हम लोग हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो वही बात बोल रहे हैं कि यूरेटर एराइसेस फ्रॉम द मीडियन सरफेस ऑफ किडनी कॉल्ड हाइलम, ठीक है। उसको हम लोग हाइलम बोल देते हैं, ठीक है। अब ये निकला तो ये यूरेटर कनेक्ट किसको करेगा? तो दिस विल गोइंग टू कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यूरेटर कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए यहाँ पर ये एक बात हम लोग को समझना है, कनेक्ट तो कर रहा है, नो डाउट कनेक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे कनेक्ट करेगा? तो देखिए ये लेट सपोज मान लीजिए हमारा क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर हो गया तो डायरेक्टली इसमें इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। क्या होता है? इसके बैक साइड से आकर कनेक्ट होता है। तो बैक साइड से कनेक्ट होगा तो ऊपर तो हम लोग को ऐसा दिखेगा, लेकिन ये पीछे से कनेक्ट है तो इस तरीके से हम लोग डॉटेड बना देते हैं, ठीक है। पीछे साइड से ये हमारा आकर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग यही बात बोल रहे हैं कि दिस यूरेटर कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आकर कनेक्ट करता है। यूरेटर कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो यूरेटर जहां से निकल रहा है तो यूरेटर किडनी के पास से निकल रहा है, ये किडनी वाला पार्ट है, किडनी से निकल रहा है। तो ये क्या बनाता है यूरेटर? आगे किडनी में जब एंट्री करता है तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर बनाता है, और इस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज कि फ्रंट पार्ट ऑफ यूरेटर इज फनल शेप स्ट्रक्चर इन किडनी कॉल्ड पेल्विस। उसको हम लोग पेल्विस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये तो हम लोग बात कर लिए किडनी के बारे में, बात कर लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्या चीज कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये ओवरऑल हम लोग बात किए। तो मतलब इतना देर में हम लोग यही बात किए कि ये इस तरीके से किडनी है, ठीक है। ये किडनी है, यहां से ये जिस पोर्शन से यूरेटर निकल रहा है उस पोर्शन को हम लोग क्या बोल दिए? हाइलम बोल दिए,
हाइलम, और ये चूंकि ये यूरेटर है, दिस इज यूरेटर, और यूरेटर किडनी से निकल रहा है, तो किडनी में क्या बना रहा है, फनल शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी ब्रॉड पार्ट है, एंड दिस ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड द पेल्विस। अभी तक हम लोग ये बात किए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको अगर डाइसेक्ट करेंगे, इसको कट करेंगे, तो हम लोग को इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का कैसा रहता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या चीज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का अंदर से कैसे दिखेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं ऊपर से नीचे, लॉन्गिट्यूडनली कट का मतलब समझे, ये अगर किडनी है तो इस तरीके से कट किए तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कट, ट्रांसवर्स कट बोल दिए, ठीक है। और अगर ऊपर से हम इस तरीके से कट करते हैं, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल कट, लॉन्गिट्यूडनल कट या सेक्शन बोल सकते हैं। तो ऊपर से नीचे कट किए किडनी को, तो हम लोग को क्या देखा कि किडनी कंसिस्ट ऑफ, किडनी कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स। कौन कौन सा, तो एक रीजन है जो सबसे बाहर वाला रीजन रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स, और उसके अंदर वाला रीजन को हम लोग बोलते हैं मेडुला रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, दिस इज आउटर रीजन, ठीक है। और ये कैसा देखने में लगेगा, तो दिस आकर इन द डार्क कलर का हमको दिखेगा, डार्क ब्राउन कलर का दिखेगा। मेडुला रीजन का क्या हो गया, दिस इज इनर रीजन, और ये लाइट कलर का हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, लेकिन अब ये इसको डाइसेक्ट, इसको लॉन्गिट्यूडनली कट के तब कैसा दिखेगा, तो देखिए इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ये, ये हमारा हो गया यूरेटर, ये इस वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, हाइलम बोल रहे थे, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोल दिए पेल्विस बोल दिए। अब देखिए इसके अंदर में इस तरीके से दो रीजन कट किया हुआ मिलेगा, दो रीजन जैसा दिखेगा, क्या चीज, ये वाला रीजन हमारा हो गया कॉर्टेक्स, बाहर वाला रीजन, और इसके अंदर वाला रीजन को हम लोग बोल दिए मेडुला बोल दिए। अभी तक इतना ही बात किया, अब क्या करेंगे कि ये जो मेडुला रीजन जो होता है, मेडुला रीजन इज कंपोज्ड ऑफ या कंटेन्स ए फाइन स्ट्रिप सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड द कॉनिकल पिरामिड्स। क्या बात बोल रहे हैं, ये मेडुला कंसिस्ट ऑफ फाइनली स्ट्रिप सब्सटेंसेस, बिल्कुल धागे के समान दिखेगा, स्ट्रिप सब्सटेंसेस अरेंज्ड इन सेवरल पिरामिड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनिकल पिरामिड्स बोलते हैं, सेवरल पिरामिड्स कॉल्ड कॉनिकल पिरामिड्स। तो कैसा दिखेगा, तो देखिए अब ये कैसा दिखेगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेडुला रीजन में ये प्रेजेंट है, तो मेडुला रीजन में इस तरीके से ढेर सारा स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से ढेर सारा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉनिकल पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये अभी कॉनिकल पिरामिड्स है, अभी ये क्या स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जो पेल्विस रीजन है, पेल्विस रीजन में हम लोग को इस तरीके से कलर चेंज कर देते हैं, पेल्विस रीजन में क्या बोल रहे हैं, ये वाला रीजन इस तरीके से पेल्विस रीजन आया हुआ रहेगा, फिर ये यहाँ तक ही आएगा फाइनरी पार्ट्स, फिर इस तरीके से बनता हुआ चलेगा, ठीक है।
मतलब ये जो फाइन पार्टिकल्स है ये इस अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा। यहाँ पर लग रहा है आपको धंसा हुआ, लेकिन अगर सिर्फ पिरामिड की बात करते हैं तो ये हम पिरामिड किसको बोल रहे हैं, पिरामिड इस सेक्शन को बोल रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर पूरा बन रहा है दिस इज कॉल्ड द कॉनिकल पिरामिड। तो ये वाला इसका उभरा हुआ हिस्सा है, ये वाला उभरा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं पैपिला बोलते हैं। इस हिस्से को क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा कहलाया इसको हम लोग बोल दिए पैपिला। ठीक है, तो पैपिला क्या हो गया कि द एपेक्स पार्ट ऑफ द कॉनिकल पिरामिड, द एपेक्स पार्ट ऑफ कॉनिकल पिरामिड, कॉनिकल पिरामिड इज कॉल्ड पैपिला, उसको हम लोग पैपिला बोल दिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि हर एक किडनी में ढेर सारा माइन्यूट, बहुत नंबर में माइन्यूट ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, या जिसको आप भली भांति जानती है नेफ्रॉन, या उसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स क्यों बोलते हैं, तो रीनल शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं किडनी के लिए इसीलिए, और ट्यूबलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको हम लोग रीनल ट्यूब्स भी बोलते हैं, या फिर सिंपली फॉर्म में हम लोग किडनी ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किडनी इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस, ढेर सारा न्यूमरस, न्यूमरस मतलब कितना, लगभग एक किडनी में लगभग 1 मिलियन ये ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, इतना ज्यादा प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, किडनी इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, या इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, या इसको हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, किडनी ट्यूब्यूल। समझ में आ गया बात। तो अगर कोई बोल दे आपको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, मतलब नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन तो हम लोग भली बात जानते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स भी अगर कोई बोल दे या किडनी ट्यूब्यूल्स भी बोल दे तो समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी हम लोग बोल सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल्स, दिस ऑल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नेफ्रॉन कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, उन सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो नेफ्रॉन में हम लोग को 4 चीजें पाया जाता है। क्या क्या चीज, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे। तो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए क्या चीज, सबसे पहला कंटेन करता है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, दूसरा चीज क्या प्रेजेंट रहता है, तो बोमेंस कैप्सूल से, ये पूरा सीरीज याद रखेगा, ऐसे ही चलता हुआ चलेगा, हम लोग जब भी डिस्कशन करेंगे ऐसे ही चलता हुआ चलेगा, बोमेंस कैप्सूल के बाद आता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स।
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में PCT। थर्ड क्या है, अब इसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इतना चीज से जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DCT। ठीक है, तो इतना चीज से मिलकर हमारा नेफ्रॉन बना होता है। तो इसके बारे में आप डायग्राम में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो फिर इसका काम क्या है, हर एक चीज को हम लोग डिटेल से थोड़ा देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए नेफ्रॉन इस तरीके से हम लोग को दिखता है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया। अब हम लोग जो बात बोले कि क्या क्या चीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये वाला पार्ट बोमेंस कैप्सूल के जस्ट बगल वाला पार्ट, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नजदीक, तो इसके जस्ट बगल वाला पार्ट बोमेंस कैप्सूल से, ये टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसलिए इसको कन्वोल्यूटेड बोला गया है। तो जो बोमेंस कैप्सूल के जस्ट बगल में है, प्रॉक्सिमल है, इसलिए इस पार्ट को हम लोग PCT बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो हम लोग को यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। अगर लूप ऑफ हेनले में भी देखिए दो पार्ट है, कौन कौन सा, तो एक ये देखिए इस वाले पोर्शन में ये डाउनवर्ड्स आ रहा है और इस वाले पोर्शन में ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोल देंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो जाएगा। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब इसके बाद देखिए PCT के बाद क्या हम लोग बोले, DCT। तो जो दूर वाला हिस्सा है, दूर, डिस्टल मतलब होता है दूर, तो बोमेंस कैप्सूल से जो दूर वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोल दिए, DCT बोल दिए, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किससे जुड़ा होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कलेक्टिंग डक्ट बोल देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम हिस्सा देख लिए। अब क्या देखेंगे कि बोमेंस कैप्सूल, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोमेंस कैप्सूल में क्या रहता है, इसकी खासियत क्या है। तो दिस बोमेंस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। दिस इज कप शेप, सबसे पहले तो हम लोग कैसा दिख रहा है, कप शेप का दिख रहा है, चलिए कप शेप का है। उसके बाद क्या बोले, थिन वॉल्ड रहता है इसमें, थिन वॉल्ड। क्यों थिन वॉल्ड रहेगा, क्योंकि इसके पास ब्लड का कैपिलरी नेटवर्क आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस बोलेंगे। तो हम लोग बोल नहीं जा रहे हैं कि दिस कंसिस्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स इन ए मास कॉल्ड क्या चीज, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स का फाइन नेटवर्क जो कि बहुत ज्यादा मास में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। अब ये बनाने के टाइम में आप लोग ध्यान दीजिएगा,
इस तरीके से ढेर सारा ब्रांचेस इसमें आपको फाइन नेटवर्क बना देगा, जाल बन जाएगा, नेटवर्क बना देगा और इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला पूरे पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, ये जो पूरा ब्रांच नेटवर्क जो दिख रहा है ब्लड वेसल्स का, इस पूरे नेटवर्क को हम लोग बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, मालपिजियन बॉडी या फिर मालपिजियन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, यानी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल कैप्सूल टुगेदर कॉल्ड क्या चीज, टुगेदर कॉल्ड मालपिजियन बॉडी, मालपिजियन कैप्सूल या मालपिजियन बॉडी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाए हैं, तो थोड़ा सा देखिए क्या हम किए हैं कि इस डायग्राम में ये इधर से जो एंट्री हो रही है इसका डायमीटर हम ज्यादा बड़ा मोटा बनाए, ये ध्यान रखिएगा, और इधर से जो एग्जिट हो रहा है इसका डायमीटर कम बनाए। तो अब ये है क्या, तो दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल किसको बोल रहे हैं, जो ब्लड को ला रहा है, ये ब्लड एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड लेकर आ रहा है वैसे आर्टेरियोल को हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, और यहां से जो एग्जिट करेगा, जो ब्लड एग्जिट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो इस वेसल्स को हम लोग बोल दिए एफरेंट आर्टेरियोल बोल दिए, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो क्या बोले कि जो ब्लड लेकर एंट्री कर रहा है, ब्लड एंट्री करवा रहा है बोमेंस कैप्सूल में, उस आर्टेरियोल को हम लोग बोल दिए एफरेंट आर्टेरियोल, और जो ब्लड एग्जिट कर रहा है उसको हम लोग बोल दिए एफरेंट आर्टेरियोल। याद रखिएगा E फॉर एफरेंट और E फॉर एग्जिट, ये याद हो जाएगा, और इसके बाद में फिर एफरेंट आर्टेरियोल याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, बोमेंस कैप्सूल के बारे में डिस्कस किया। अब बोमेंस कैप्सूल के बाद हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज पीसीटी, और पीसीटी क्यों इसको बोलते हैं पीसीटी, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो प्रॉक्सिमल का मतलब ये होता है कि नजदीक में, नियर, और बोमेंस कैप्सूल के नजदीक में है, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा कन्वोल्यूटेड है, इसलिए इसको हम लोग बोमेंस, ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब देखिए हम लोग बात क्या किए थे, हम लोग बात क्या किए थे, क्या बात किए थे कि किडनी में दो रीजन होता है, एक कॉर्टेक्स रीजन और एक मेडुला रीजन। तो अब देखिए यहां से जो ऊपर हम लोग को दिख रहा है, यानी बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी और साथ साथ इधर से हमारा डीसीटी, ये सब के सब प्रेजेंट कहाँ पर रहेगा, ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स रीजन कहला रहा है और नीचे वाला रीजन हमारा मेडुला रीजन कहला रहा है। ठीक है, तो मतलब कि पीसीटी के बाद जो हमारा लूप ऑफ हेनले, यानी मिडिल पार्ट यू से पिन शेप स्ट्रक्चर, ये लूप ऑफ हेनले कैसा है, लूप ऑफ हेनले का शेप कैसा दिख रहा है, ये पिन शेप दिख रहा है, शेप इज हेयर पिन शेप, हेयर पिन शेप वैसा ही दिख रहा है। तो ये हेयर पिन शेप जो दिख रहा है दैट इज सिचुएटेड इन द मेडुला रीजन, और इसके बाद जो हमारा डीसीटी है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, अगेन वो प्रेजेंट रहता है हमारा कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या चीज कि ब्लड सप्लाई का क्या इसमें रीजन है। तो अब ब्लड सप्लाई, किडनी को ब्लड कौन सप्लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है आर्टरी लेकर आएगा। ठीक है, तो किडनी में एंट्री कर रहा है, इसलिए समझने के लिए, इजीली समझने के लिए हम लोग जो किडनी को ब्लड लेकर आ रहा है, तो उस किडनी, उस आर्टरी को हम लोग बोल दिए रीनल आर्टरी बोल दिए, और वो आर्टरी जब एंट्री करेगा किडनी में तो वो फर्दर ब्रांचेस में टूटना शुरू कर जाएगा, और फाइनली वो आर्टेरियोल का फॉर्मेशन करेगा, और वो आर्टेरियोल ब्लड लेकर आएगा
तो वो एंट्री करेगा बोमेंस कैप्सूल में, किस लिए? फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्या आएगा? एफरेंट आर्टेरियोल आएगा, और एफरेंट आर्टेरियोल आएगा तो उसका डायमीटर ज्यादा मोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करवाना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करवाना, ठीक है। अब उसके बाद एग्जिट करेगा, तो यहां से जो एग्जिट करता हुआ ब्लड को लेकर जाएगा, वैसे आर्टेरियोल को हम लोग क्या बोल दिए? इफरेंट आर्टेरियोल बोल दिए, जिसका डायमीटर कम रहेगा। तो अब देखिए, ऐसा समझिए कि ये ज्यादा मोटा डायमीटर है, मतलब यहाँ पर ब्लड का अमाउंट ज्यादा एंट्री करेगा, ब्लड अमाउंट विल बी मोर, ज्यादा रहेगा, और एग्जिट कितना कम करेगा? एग्जिट कम करेगा ब्लड का। तो अब इसके बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, इस प्रेशर से क्या होगा? इस ब्लड में से जो भी प्लाज्मा पार्ट है यानी फ्लूइड्स पार्ट है वो क्या आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा? वो बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, ठीक है। तो जो बोमेंस कैप्सूल में जो आएगा उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, ठीक है। जो छन के आ गया ग्लोमेरुलस से, कहां पर? बोमेंस कैप्सूल में, तो उस पार्ट को हम लोग बोल दिए, छन के आ गया, फिल्टर होके आ गया, उसको हम लोग बोल दिए क्या चीज? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल दिए, ठीक है। अच्छा देखिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, यहाँ हम लोग ब्लड वेसल्स की बात कर रहे थे। तो अब इसके बाद हम लोग क्या, कौन सा कलर है? कौन सा कलर तो कोई बचा नहीं, ग्रीन कलर का बच रहा है, चलिए डार्क ग्रे। तो अब क्या बोल रहे हैं? एफरेंट आर्टेरियोल एंट्री किया, इफरेंट आर्टेरियोल एग्जिट किया। ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे जाने के बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, ये फर्दर फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या करता है? बोमेंस, ये पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले में चारों तरफ सर्कुलेट होते हुए आगे की तरफ मूव करता है, और फाइनली यहाँ से जो एग्जिट करेगा तो ये, इसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज? ये रीनल वेन के तरफ चला जाएगा, रीनल वेन के तरफ चला जाएगा, ठीक है, वेन के तरफ चला जाएगा। तो ये जो स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट होने से क्या हो रहा है? इन सभी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी के चारों तरफ सर्कुलेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहां से क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट प्रेशर के कारण मैक्सिमम चीज फिल्ट्रेट में आ जाएगा, बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जो जरूरी है उसको फिर से रीअब्सॉर्ब करना है। क्योंकि अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होकर आएगा वो तो समझिए मैक्सिमम पार्ट चल ही आया, तब तो हमारा इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो एक मिनट में एक लीटर फिल्ट्रेट आ जाता है, यानी 24 घंटे में लगभग 100-150 के अप्रोक्स या 180 लीटर आ जाएगा। तो 180 लीटर हम लोग थोड़े ही डिस्चार्ज करते हैं, मतलब उसमें से मैक्सिमम पार्ट को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? उसके एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो इसीलिए ब्लड वेसल्स जो है फाइनली ये ब्रेक नेटवर्क बनाते हुए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क बोल सकते हैं इसको, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क, सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क। और वो क्या कर देगा? सराउंड करना शुरू कर देगा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी को सराउंड करना शुरू कर देगा। इतना क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे। और फंक्शन क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। इसका एक ही काम है, यूरिन का बनाना। तो ये जो यूरिन बनता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, दैट अकर्स इन द टू स्टेप, अकर्स इन टू स्टेप। कौन कौन सा? पहला है, पहला स्टेप को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है।
आज इतना रहने देते हैं, हम लोग फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यूरिन का उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। क्लियर है?